दिस इज 3 PS के हाउस प्लान, 3 बेडरूम का हाउस प्लान इसमें हमने प्रोवाइड किया है, 38 feet 2 inch एंड 32 feet। तो इसमें हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे आपके साथ हम शेयर करेंगे इस बिल्डिंग प्लान का डिटेलिंग, ठीक है। इस बिल्डिंग प्लान में आपको टेक्निकल पार्ट के साथ इसका जो रूम साइज, इसके अंदर और भी रूम के अलावा और भी कुछ यहाँ पर हमने ऐड किया है तो क्या है वो, क्या चीज़ है वो हम आपके साथ क्या क्या है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको अगर इसको पूरा देखना है तो आप धीरे धीरे देखिए इस प्लान को, तो आपको एक अच्छा सा प्लान मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको इसमें ये जो प्लान आपके साथ हम शेयर करेंगे, अगर इसमें आपको कुछ चेंज, कुछ ऐड, कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। आपको लगता है इसको मॉडिफिकेशन करना होगा तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात, इसमें अगर आपको कुछ टेक्निकल इश्यू होता है तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम चलिए आपके साथ शेयर करते हैं प्लानिंग के साथ। इस प्लान के अंदर हम डोर विंडो यहाँ पर ऐड करें, तो अच्छा यहाँ पर जो डोर विंडो आएगा हम आपके साथ शेयर करने से पहले देखिए यहाँ पर जो डोर है हम मेजरमेंट यहाँ पर सेट कर देंगे 7 feet by 3 feet, ओके। तो उसके बाद देखिए आप दोनों साइड से इसको कर सकते हैं, इधर से भी इधर से भी। तो हम क्या करेंगे जो हमें इजी लगेगा 7 feet by 4 feet हम इधर से इसको डोर ओपन करेंगे। आप चाहे तो फ्रंट से भी एक डोर ओपन कर सकते हैं, ठीक है। हम इस टाइप का रखेंगे प्लान में। और एक बात, यहाँ पर जो हर जो रूम है एक एक रूम का डोर हम यहाँ पर आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो अच्छा कैसे करना है शेयर, तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में हम यहाँ पर आने के बाद इस घर के अंदर आने के बाद 7 feet by 4 feet और एक डोर यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे। तो इसके साथ हम और एक डोर इधर से हम प्रोवाइड करेंगे जो हमें रहेगा 7 feet by 4 feet। ये जो डोर है इस डोर का साइज थोड़ा सा साइज बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि हम उसको भी रीजन आपके साथ शेयर करेंगे बाद में। तो चलिए पहले हम जो इसका प्लान में जो डोर है यहाँ पर हम आपके साथ शेयर करेंगे, उसके बाद हम शेयर करेंगे क्यों हमने डोर को थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा रखा है, यहाँ पर थोड़ा सा छोटा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए हर रूम का जो डोर है यहाँ पर हम ऐसे सेट करेंगे, तो इससे क्या होगा रूम के अंदर और बाहर जाने का जो रास्ता है आपको अच्छे से यहाँ पर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो यहाँ पर डोर आएगा यहाँ पर 7 feet by 2 feet 6 inch, और यहाँ पर भी एक डोर आएगा जो है 7 feet by 2 feet 6 inch। हाँ, ये जो यहाँ पर जो रूम का डोर हम यहाँ पर प्रोवाइड करें, क्या क्या रूम है ये भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो पहले डोर हो गया, तो उसके बाद हम विंडो के पोजीशन यहाँ पर सेट करेंगे, उसके बाद आपके साथ हम शेयर करेंगे जो ये जो प्लान है इसमें क्यों कहाँ पर हमने डोर रखा है, कहाँ पर विंडो रखा है, सब कुछ हम आपके साथ शेयर करेंगे और उसका भी रीज़न आपके साथ हम बताएंगे, ठीक है। तो पहले देखिए यहाँ पर जो रूम है यहाँ पर हमें करना है एक विंडो, यहाँ पर एक करना है विंडो, तो हमने यहाँ पर भी विंडो प्रोवाइड करेंगे। तो इस विंडो को हम इधर से बाहर हम लेकर आएंगे, तो उसमें क्या होगा आपको प्लान का जो, और एक बार देखिए साइड वाइज, तो एक एक रूम का जो विंडो हम यहाँ पर 4 साइड में भी विंडो प्रोवाइड करेंगे। देखिए एक बात है, जो विंडो हम प्रोवाइड करेंगे सिर्फ ऑप्शनल विंडो, ऐसा बात नहीं है, यही फिक्स्ड है। एक एक प्लॉट हर जो प्लॉट होता है, प्लॉट का जो पार्ट होता है वो एक टाइप का नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, तो एक एक टाइप का प्लॉट के हिसाब से हम यहाँ पर प्लानिंग बनाएंगे, तो उसमें हमें विंडो को एक ऑप्शनल पार्ट यहाँ पर रखना होगा विंडो, ठीक है। इसमें क्या होगा, जिसको साइड में जगह है तो जिस प्लॉट का, तो उस प्लॉट में आप ऐसे विंडो रख सकते हैं। जो जिस प्लॉट को जगह नहीं है उस प्लॉट में आप विंडो को डिलीट कर दीजिए या बंद कर दीजिए, ठीक है। तो ऑप्शनल रखने से क्या फ़ायदा होगा आपको, अगर आपको एक ही प्लान में स,
सब कुछ डिटेल्स मिल जाएगा, यही फायदा है और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है ये ठीक नहीं है तो आपको दूसरा कोई ऑप्शन इसके अंदर सेट करना होगा, जिससे आपको अच्छा सा प्लान भी मिल जाएगा। आप इसको मॉडिफिकेशन करके उसको चेंज कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ऑप्शन आपके पास है, क्योंकि प्लान में कुछ कुछ चेंज होता है कभी कभी, तो ऐसा नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है कुछ भी प्लान का डिटेलिंग में। ठीक है, तो हम इसके बाद यहाँ पर जो पोजीशन देख रहे हैं आप, यहाँ पर हम स्टेयर पोजीशन ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए इसको स्टेयर ऐड कर देते। इसमें फॉन्ट साइड से यहाँ पर एक वेटिंग रूम के बाद यहाँ पर एक स्टेयर रूम, आप इसको ओपन कर सकते हैं या डोर को बैठ कर सकते। अगर आप इस प्लान और इस जो बिल्डिंग है इसको अगर भाड़े में देना है या क्राइ पे देना है या इसको रेंट पर्पस यूज करना है, तो आप इस टाइप का प्लान करके घर को रेंट पर्पस को आप यूज कर सकते। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ फर्नीचर ऐड करेंगे और इसके अंदर इसका डिटेलिंग हम आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ फर्नीचर हमने इसके अंदर ऐड किया है। ठीक है, कुछ फर्नीचर, जिस फर्नीचर को देख के आपको कुछ समझ में आ जाएगा कहाँ पर क्या क्या हमने ऐड किया है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका डिटेलिंग भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो हम यहाँ पर भी एक फर्नीचर का साथ, यहाँ पर देखिए एक प्रोवाइड करेंगे, तो इसको भी हम इधर सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो इधर भी ऐसे सेट कर सकते हैं। ओके, तो इसको हम इधर रखने के बाद हम जाएंगे इसका डिटेलिंग पर। चलिए डिटेलिंग इसके साथ हम ऐड करते हैं। तो इधर जो ड्राइंग इससे पहले देखिए 38 मैक्सिमम जो मेजरमेंट, मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम 38 फीट 2 इंच बाय 32 फीट। ठीक है, इधर जो है देखिए दो बेडरूम है, हम एक एक बेडरूम का मेजरमेंट अलग अलग पार्ट आपको दिखाएंगे। देखिए तो आपको एक आइडिया यहाँ पर आ गया है कितना मेजरमेंट है। तो हम ऐसे मेजरमेंट बाहर की तरफ भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दो अटैच टॉयलेट एंड बाथ, इधर इधर एक बेडरूम है 13 फीट 3 बाई 12 फीट, इधर एक पोर्च एरिया है देखिए ऐसे। ठीक है, इधर आपको मिलेगा। तो उसके बाद यहाँ पर एक वेटिंग रूम इधर स्टार्टिंग में जो आप इधर दिखाई दे रहा है, उसके बाद इधर देखिए 11 फीट 4 इंच और इधर देखिए 18 फीट 6 इंच, उसके बाद इधर 6 फीट 5 इंच और इधर जो स्टेप 7 फीट 5 इंच। इसके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं साइड में, इधर देखिए कॉमन बाथ एंड लैट्रिन इधर, ओके कॉमन बाथ एंड लैट्रिन इधर, और इधर जो पार्ट इधर हम थोड़ा सा इधर करेंगे, थोड़ा सा इधर करेंगे, और इधर जो है एक एक वॉशरूम, जो वॉशरूम के अंदर से आप जा सकते हैं कॉमन बाथ एंड लैट्रिन पर, इसलिए हमने यहाँ पर रखा है। यहाँ पर एक किचन एरिया है, देखिए किचन के लिए इधर है। तो इसके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं प्लान के साथ, आपको प्लान और डिज़ाइन दोनों एक साथ यहाँ पर मिल जाएगा। आपको अगर लगता है प्लान में कुछ चेंज करना है या डिज़ाइन में कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने ड्राइंग के साथ दिखाया है प्लान के साथ। आपको वीडियो और प्लानिंग अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।